विचार विमर्श चर्चा करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष क्योंकि कोविड की परिस्थितियां काफी बिगड़ थी, तो उसमें मैक्सिमम प्रोग्राम ऑनलाइन हुए थे। और सर मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यही साथी थे जिन्होंने उस कार्यक्रम को पूरे घर वो कार्यक्रम मीडिया के माध्यम से पहुंचा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मीडिया है, जैसा भी डीपीआर साहब ने कहा। तो सर मेरा डायरेक्टली उसको 350 पर कर दिया। पहले लगभग 800 के आसपास सोल्स रुकती थी, तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे सर बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कार्यक्रम आयोजित हुए। और इस बार सारे कार्यक्रम धर्म सरोवर एरिया इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव से समर्पित है, और उसी को ध्यान में रखकर ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए। मैं पुनः आप सबका यहाँ पधारने का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, आप सब मीडिया के बंधु, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अभी दिव्यारो साहब ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को विश्व पटल के ले जाने का सबसे बड़ा योगदान आप सब लोगों का है। और जिस तरीके से आप लोग डेडिकेट करते हैं अपने सारे मीडिया को, चाहे वो चैनल्स हैं चाहे न्यूज़पेपर्स हैं, 18 दिन तक मुझे नहीं लगता कि कोई और विषय पूरे न्यूज़पेपर्स के अंदर कहीं नजर आता है। तो इतना बड़ा सपोर्ट आप लोगों के माध्यम से, और सारे देश में और देश के मीडिया से फिर विश्व के अंदर पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत साधुवाद। पिछले दिनों में एक विपरीत परिस्थिति थी हमारे समक्ष कोविड की, लेकिन पिछली बार भी आपने उस परिस्थिति के अंदर जिस तरीके से इसको कवर किया, और एक इवेंट जो दीपोत्सव के रूप में हुआ, एक बड़ा और भजन संध्या जो रही है, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने दुनिया भर के अंदर पहुंचाया। और मैं सही मायने में इसको, जो ये महोत्सव आज इस स्टेज में है, इसको मिलने में लाने में यहां तक आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़े सुझाव आपके पिछले दिनों में जो आए, ये सब उसके कारण से है। इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका है आप लोगों की, क्योंकि आप इसको हर एंगल से देखते हैं, सपोर्टिव एंगल से, क्रिटिकल एंगल से, हर तरीके से देखते हैं, और हमें समय समय पर बताते हैं कि हम लोगों को इसके अंदर कहां सुधार करना चाहिए और क्या नया करना चाहिए। आज भी उसी दिशा के अंदर ये एक आप लोगों के साथ मिलना हो रहा है, जिसके अंदर की आपके सुझाव हम लोग ले पाएंगे कि जो भी आज के समय में हम लोग क्या इसके अंदर और अच्छा कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको फिर दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी सीओ साहब ने बताया कि एग्जीबिशन कुछ लगा रहे हैं हम विश्व गुरु भारत की, तो आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव को इस गीता महोत्सव के साथ जोड़ के रोल ऑफ गीता इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इस तरह का एक इसका भाव है कि गीता की क्या भूमिका रही हमारी आजादी की, आजादी को लोकमान्य तिलक जी के द्वारा जो गीता लिखी गई, उसके अलावा भगत सिंह और अन्य जितने भी शहीद हुए, उनका कहीं ना कहीं गीता को पढ़कर अपना सर्वस्व निछावर करने का जो भाव था, उसमें कहां गीता की भूमिका थी। ये सब भी एक
एग्जीबिशन के अंदर हम लोग वहां पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही जो भारत विश्व गुरु था, किन संस्थाओं ने, किन महापुरुषों ने, किन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, उसके साथ ही जो आजादी का जो आंदोलन चला 1857 का पहले आंदोलन से, उसके बाद 1947 तक, तो इन 90 सालों का जो या उससे पहले का भी जो इतिहास रहा वो भी कहीं ना कहीं इन सभी एग्जीबिशंस के अंदर। और जो माननीय मोदी जी का एक है कि अनसंग हीरोज, जिनके बारे में स्वतंत्रता आंदोलन के वो हीरोज जिनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, उनके बारे में बताना। उसके साथ ही जो पार्टीशन की एक विभिषिका थी उसके बारे में भी लोगों को बताना। तो ये सब चीजें इस एग्जीबिशंस के अंदर हम लोग कर रहे हैं, जो निश्चित तौर पे आप लोगों को अच्छा लगेगा इसको देख के। और इसके लिए हमें आपसे बहुत बड़ा सहयोग भी अपेक्षित है, ताकि आपकी नजर में भी ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी हो जिनके बारे में नहीं पता, आप हमें बताएं, उन्हें एक कार्यक्रम भी होना है जिसके अंदर 75 जो है स्वतंत्रता सेनानियों को जो आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पे, उन लोगों को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चुनकर उनको दिखाना, उन लोगों को सम्मानित करना, ऐसा भी कुछ विषय अभी चल रहा है। तो उसके लिए आप लोग हमें जो भी इसमें गाइड करेंगे कि कोई स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, पूरे जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर उनको ऐसा लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका पार्टिसिपेशन और आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप सब लोग आए हैं इसके लिए बहुत आभार है आपका, बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आपने समय निकालकर इस जो सेशन में रखा था आपसे जो विचार विमर्श करने के लिए, उसमें आपने बताकर हमारा हमें अनुरोध किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बातों को रिपीट ना करते हुए जो बातें सीईओ साहब ने कवर कर दी हैं, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने कवर कर दी हैं, और आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल भी दे दिया गया है जो गीता महोत्सव के ऊपर हमारा जो प्रोग्राम रहेगा उसके बारे में। पिछले कुछ दिनों से हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो संस्थाएं हों या दूसरे डिपार्टमेंट्स हों, उनके साथ साथ हमारी रेगुलरली मीटिंग चल रही है, ऐसे ही आयोजन को उन्हें उसी भव्यता से ले जाया जाए जो कि पिछले साल कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। उसी कड़ी में आज एक विचार विमर्श, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आप सब साथियों के साथ रखा गया है। आप सबका अनुभव इसमें पिछले गीता जयंती के दौरान जो भी रहा है, जो आपके इनपुट्स रहे हैं, फीडबैक रहा है, उसको हम लेना चाहेंगे, ताकि अकॉर्डिंगली कोई अगर त्रुटियां या कोई ड्रॉबैक्स पिछली बार रह गए थे उसको हम एड्रेस कर सकें, और अभी आने वाले समय में उसका उसकी पुनरावृत्ति ना हो। उसके साथ साथ जैसे डीपीआरओ साहब ने बताया कि आज जिस लेवल पे गीता महोत्सव पहुंच गया है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी, उसको उस शिखर पर ले जाने का सबसे बड़ा योगदान आपका ही है। तो उसी कड़ी में मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करना चाहूंगा और आग्रह करूंगा कि आने वाले गीता महोत्सव में भी आप अपना पूरा सहयोग दें, और जहां तक हो सके आप हमें पिछले अनुभव के आधार पर फीडबैक दीजिए, ताकि हम उसको आगे उसको प्रोवाइड कर सकें। तो मैं एक बार आपका पुनः एक बार स्वागत करना चाहूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक कृपया हमें दीजिए। थैंक यू। जो भी अपने पहले परिचय के साथ और फिर अपना जो भी आप सभी से अनुरोध करूँ कि अपना 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 परिचय सर। मैं दर्शन कैंप जी न्यूज आई वो कवर फास्ट न्यूज सुझाव सर ये है, जो अपना ब्रह्म सरोवर है उसके आसपास अभी झील का दान का सीजन था, तो उसके अंदर देखा जाए बहुत सारा भूसा होता है जो बहुत बड़ा होगा, और कहीं भी और इतना मतलब घास होगा होगा,
क्योंकि डेंगू भी चला हुआ है, मच्छरों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा है, तो उसकी देखिए सफाई कराई जाए, तो ये सबसे बड़ा काम तो ये होगा। उसके बाद ही उसके अंदर तो दूसरे पहले सकते हैं मेरे सुझाव तो ये है जी कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं लेकिन जो बिल है जो लोगों की पेमेंट्स है मैंने उसकी पिछले कई वर्षों की पेंडिंग पड़ी है जो नहीं हो रही उनमें क्या दिक्कत परेशानी है वो तो आप लोगों को पता होगा जी। और एक मेरा क्वेश्चन था जी जगदीश शर्मा जी बहुत पहले यहाँ देहरादून में डॉक्टर कैंसिल उपयोग कर रहा हूँ थ्री दवाई को पेश कर रहा हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बहुत सारे काम किया है नमस्कार जी मैं संजय बंसल एडिटर सभा की तरफ मंजीत कुमार चीफ एडिटर सरल कैपिटल न्यूज पेपर जैसे सर सूरजपुर मेला आगरा मेला जो इंटरनेशनल फेयर होते हैं केवल का फेयर का मतलब जिन इंटरनेशनल फेयर है वो हमारे स्टेट को रेवेन्यू और हमारे बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए भी बहुत मदद करते हैं। जो कुरुक्षेत्र को इस इंटरनेशनल महोत्सव को हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं केवल इसलिए नहीं कि हम इसको हमारे कुरुक्षेत्र में रेवेन्यू आए हमारे स्टेट को रेवेन्यू आए हमारे स्टेट का बिजनेस आगे बढ़े हम उसके लिए कोशिश करें। उसी तरीके से स्पेन ऑस्ट्रेलिया जापान जर्मनी इन सबके कल्चरल सेंटर दिल्ली में मौजूद है हमारी पहुंच वहां तक हो ताकि वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे कुरुक्षेत्र में आए हमारे फेयर को देखें हमारे इंटरनेशनल डेटाबेस को देखें ताकि हमारा उनका जब वो दो चार दिन तो काम करते हैं जब मेन पिता जयंती का प्रोग्राम होता है विचार तब वो पुलिस प्रशासन की उसको जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी नहीं उसको मानते यानी कि फिर ऐसे पासपोर्ट देने का फायदा क्या होगा कहने का मतलब है वो अगर दिया जाए तो उसको जब लगा हुआ है तो उसको वहां जाने दिया क्योंकि हमें जल्दी होती है कल कवरेज के लिए कभी हमें 10 बार चक्कर लगते हैं तो वो उसमें फिर बहस होती है तो उसमें कोई फायदा नहीं होता टाइम वेस्ट होता है। ये बदलाव की आपने एक विषय रेज किया था उस वक्त भी तो हमारा इस बार ये प्रयास रहेगा कि एक ही कार्ड को बनाए जिसमें भी वैलिड हुआ 18 दिन 19 दिन जब तक कार्ड चलेगा वो ही कार्ड वैलिड रहेगा उस हिसाब से इस हिसाब से हम इस पर बातें करेंगे तो उनके पास कोई दिक्कत नहीं आती। वो पुलिस कर्मचारी वो भी नहीं मानते इस पासपोर्ट की कुछ नहीं है मतलब अलग अलग दिन के अलग अलग पासेस बनते हैं मेरे हिसाब से एक ही पास